लोकल न्यूज में अपना परचम लहराता हुआ एकमात्र बेहतरीन यूट्यूब चैनल क्लीन न्यूज में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आज के मुख्य अंक के बारे में जानते हैं। गोड्डा और गोड्डा के आसपास के प्रमुख समाचार। नाबालिग मुकबधिर बच्ची के रेप के बाद कर दी गई हत्या, कानून व्यवस्था पर खूब बरसे गोड्डा के MLA। अब इसको लेकर गोड्डा के BJP विधायक अमित कुमार ने कहा कि 9वीं कक्षा की मुकबधिर छात्रा के साथ हुए गैंग रेप एवं बर्बरतापूर्ण हत्या की घटना निंदनीय है और हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। झारखंड के गोड्डा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां कुछ मंचलों ने नाबालिग गूंगी लड़कियों के साथ बलात्कार किया है और उसकी निसंग हत्या कर दी। इसके बाद से ही जहां परिजनों में मातम का माहौल है, तो वहीं लोग इस सनसनी के घटना के बाद सकते में है। घटना गोड्डा के सीमानपुर की है, जहां एक बोलने से लाचार करीब 13 साल की किशोरी ने शनिवार की शाम घर से कुछ दूरी पर हैंडपंप से पानी लाने गई थी। यह उसका रोज का काम था, लेकिन वह वहीं से गायब हो गई। रात भर घर वालों ने ढूंढा मगर वह नहीं मिली। सोमवार सुबह उसकी लाश गांव के सरकारी स्कूल के बरामदे में मिली। उसके कपड़े तार तार थे। जिस स्कूल में पढ़ती थी वहीं दुष्कर्म के बाद हुई छात्र की हत्या, चार हिरासत में। खबर गोड्डा के मेहरमा से है। सीमानपुर गांव की मुकबधिर किशोरी के साथ उसी स्कूल के दुष्कर्म हुआ है और उसे मार डाला गया जहां वो पढ़ती थी। इस प्रकरण की जांच को सोमवार को पुलिस अधीक्षक YS रमेश पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। SP ने बताया कि दुष्कर्म की पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए मेहरमा पुलिस रमाकांत तिवारी ने नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तारी होगी। परिजनों ने घटना को दिया अंजाम। रविवार को देर शाम पार सिंह जांच तथा डॉग स्क्वाड की निशानदेही पर पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी तक हाथ में नहीं आया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस सक्रिय है। विदित है कि रविवार की सुबह सीमानपुर गांव की छात्रा स्कूल में दुष्कर्म के बाद ईंट और पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई है। उसके पिता ने बलबड्डा थाना में गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सभी आरोपित पड़ोसी हैं। मोबाइल दुकान में 2 लाख रुपए की चोरी। घटना गोड्डा भागलपुर रोड की है। भागलपुर मुख्य मार्ग में महिला कॉलेज के समीप रविवार की देर रात अज्ञात चोरों ने दीवार तोड़कर मोबाइल सर्विस सेंटर से करीब 2 लाख रुपए की समेत नकद 20,000 रुपए से लिए हैं। मामले को लेकर दुकानदार संचालक शहबाज ने नगर थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। कान अंकित करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। 8 माह से बंद है TRW का कार्य। जिला मुख्यालय में करीब 2 साल पूर्व स्वीकृत TRW वर्कशॉप का काम अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। आलम यह है कि इस महत्वपूर्ण योजना को साल भर पूर्व ही पूरा हो जाना था, लेकिन हालात यह है कि अगले 6 माह में भी काम पूरा होने की उम्मीद नहीं है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी जिले वासियों को हो रही है। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप बनने से जिला में जले व खराब पड़े ट्रांसफार्मर की मरम्मत सहित बदलाव का काम यहीं पर होना था। इस मामले में पूर्व में विधानसभा में मामला उठाया जा चुका है। इसके बाद ही वर्ष 2018 में इसे स्वीकृति मिली थी। तत्कालीन विधायक अशोक कुमार सहित वर्तमान विधायक अमित कुमार मंडल, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह इस मामले को जिले वासियों के हित में सदन में मामला उठा चुके हैं, लेकिन अब तक काम अधूरा पड़ा हुआ है। खबर गोड्डा के बसंतरा से है। बसंतरा में इस बार मुहर्रम पर नहीं सजेगा अंतर प्रांतीय दंगल। बसंतराय प्रखंड क्षेत्र के मांजर गांव में 2 दशक से ज्यादा समय से लगने वाले मुहर्रम के अवसर पर मेला सह विराट दंगल कुश्ती प्रतियोगिता इस बार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण नहीं आयोजित होगी। अखाड़ा समिति की ओर से इसका निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि प्रतिवर्ष इस गांव में मुहर्रम पर्व के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय विराट दंगल का आयोजित किया जाता था। यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही थी, जिसे समय अनुसार अखाड़ा समिति के सदस्यों के द्वारा इसके स्वरूप को बदलते हुए भव्य तरीके से कई दशकों से मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत राज्य के कई दिग्गज नेताओं के सम्मिलित होने का भी इतिहास रहा है। कुसुम योजना से 300 किसानों को मिलेगा सोलर पंप सेट। जिले के किसान को केंद्र सरकार की नई योजना कुसुम के तहत जिले के 300 किसानों को अलग अलग क्षमता का सोलर पंप सेट अनुदानित दर पर मुहैया कराया जाएगा।
जिला प्रशासन की ओर से इसके वितरण के लिए चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुसुम यानी कृषक ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना अंतर्गत 300 किसानों को अनुदानित दर पर सिंचाई कार्य हेतु सोलर पंप का वितरण एवं अधिष्ठान कराने की लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस हेतु जिला कृषि पदाधिकारी के पास अब तक कुल 105 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शेष 195 इकाई के लिए आवेदन किया जाना बाकी है। खबर गोड्डा के मेहरमा से है। मेहरमा में 3 साथी असहले साथ गिरफ्तार। मेहरमा प्रखंड के अमोर बलबड्डा मुख्य मार्ग पर अमोर प्लान के समीप सोमवार को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर बाइक पर सवार 3 युवकों को एक देशी खट्टा हुआ जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। 3 साथी किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन एन वक्त पर तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तीनों साथी अंतर प्रांतीय अपराधी बताया जा रहा है। बलबड्डा मुख्य मार्ग रहा लूट और झिंताई के मामले में काफी संवेदनशील रहा है। प्लस टू स्कूल परिसर में लिया गया स्वाब सैंपल। जिले में लगातार निकल रहे कोरोना मरीज पर काबू पाने के लिए सोमवार को प्लस टू स्कूल परिसर में कोविड-19 जांच शिविर लगाया गया। आम लोगों के साथ सरकारी कर्मी का बारी बारी से 53 लोगों का स्वाब सैंपल कलेक्ट किया गया। सैंपल लेने के बाद जांच के लिए धनबाद भेजा जाएगा। वहीं मंगलवार को शहर के 5 प्रमुख मॉल के समीप शिविर लगाकर मॉल कर्मी व आसपास के लोगों का स्वाब सैंपल लिया जाएगा। शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक ने बताया कि जांच रिपोर्ट 3-4 दिनों में प्राप्त हो जाएगी। खबर जामताड़ा से है। साइबर ठगों ने बरेली को बनाया नया जामताड़ा। अब बीमा और पेंशन के नाम पर ठगी। झारखंड के जामताड़ा में सख्ती के बाद साइबर ठग नए ठिकाने विकसित करने लगे हैं। लगातार हो रही धरपकड़ से साफ हो गया है कि बरेली में पुराने शहर का इलाका इंटरनेट से ठगी करने वालों की पहली पसंद बन गया है। बरादरी पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इसी तरह की स्थिति सामने आई है। अक्षरधाम मंदिर के केयर टेकर से ठगी करने वालों से पूछताछ में बरादरी इंस्पेक्टर को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। उन्होंने बताया है कि पीलीभीत के अनिल ने एक भवन किराए पर लेकर कई लड़कियों को 5,000 रुपये प्रतिमा की नौकरी पर रखा था। यूं तो दिखावे के लिए यहां बीमा सेक्टर की एक नामी कंपनी का कॉल सेंटर संचालित था, पर इसकी आड़ में ठगी का धंधा चल रहा था। लड़कियों से लोगों के कॉल कराई जाती थी कि उनके 6 लाख की बीमा पॉलिसी मैच्योर हुई है। भुगतान के लिए आयकर के रूप में करीब 10% रकम अपने खातों में मंगाई जाती थी। तमाम लोग इसमें फंस जाते थे। बिजली कटौती की जानकारी विभाग दे दूरभाष पर। जामताड़ा से खबर है। आए दिन जिले में व्याप्त बिजली संकट के मद्देनजर सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में विद्युत अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उपायुक्त फैज हक अहमद ने अभियंताओं को हिदायत दी है कि बिजली कटौती की जानकारी दूरभाष पर दें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई के शिकार होंगे। कहा कि कुछ दिनों से जिले में बिजली की समस्याओं चलते उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार जिला प्रशासन को आमजनों से शिकायत मिल रही है। ग्रामीणों से यह भी सूचना मिल रही है कि बिजली विभाग का कोई भी पदाधिकारी दूरभाष पर कोई जवाब नहीं देते हैं। ई टोकन से सिर्फ झारखंड के 300 श्रद्धालु रोजाना कर सकेंगे बाबा वैद्यनाथ का दर्शन। आदेश जल्द होगा जारी। खबर है देवघर से। विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर और दुमका के बाबा वासुकीनाथ मंदिर खोलने पर सहमति बन गई है। इस बाबत आदेश जल्द जारी हो सकता है। इसके तहत ऑनलाइन टोकन बुकिंग सिस्टम के जरिए रोजाना 300 श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन करने का मौका दिया जाएगा। इससे खास यह है कि सिर्फ झारखंड के लोग को ही इसका लाभ मिल सकेगा। इस दौरान CCTV से गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। एयरपोर्ट विकास से पहाड़पुर में अंधेरा। खबर है देवघर के मोहनपुर से। प्रखंड के भिकना पंचायत के मुखिया लक्ष्मी कुमारी ने सोमवार को अपने पंचायत में बिजली की समस्या को लेकर कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल देवघर DN साहू से मुलाकात कर आवेदन सौंपा। मुखिया ने समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान का मांग की और कहा कि पंचायत से गुजरने वाले हाई वोल्टेज बिजली के पोल तार को बदल दिया गया। मुख्य लाइन से दास D कुमार D गाँव तक एवं मुख्य लाइन से नवाडी गांव तक 11,000 हाई वोल्टेज जर्जर तार को अभी तक नहीं बदला गया है। पोल झुक गया है और तार हमेशा टूटकर गिरते रहता है। बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा बावरी टोला। खबर है देवघर से।
प्रखंड मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित बावरी टोला वासी को आज भी बुनियादी सुविधा पाने को ललायित है। आजादी के 74 वर्ष बाद भी यहाँ के लोग रोजगार, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेंशन, राशन कार्ड जैसी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। यहाँ लगभग 110 घर हैं जो टोला के 4 भागों में बंटा है। अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। लोगों की जीविका दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। टोले की अधिकारी महिलाएं दूसरे घरों में चूल्हा चौका करती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। भारती देवी, रीना देवी, लक्की देवी, आरती देवी, चंपा देवी, अनारकली देवी आदि ने बताया कि दूसरे के घरों में काम करने के एवज में कुछ राशि के अलावा नाश्ता व दोनों शाम का भोजन दिया जाता है। कुछ मजदूर PDS गोदाम में मजदूरी करके गुजारा करते हैं। अगर मजदूरी नहीं मिली तो पेट भरना मुश्किल हो जाता है। कोरोना से जंग जीतने में गोड्डा की रिकवरी रेट 92%। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कहा कि जिले में COVID-19 महामारी की रोकथाम एवं संक्रमित व्यक्तियों के समुचित इलाज हेतु जिला प्रशासन एवं चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य कर्मियों एवं आम जनता के सामूहिक प्रयास से जिले में रिकवरी रेट 92% है, जो काफी सराहनीय है। COVID-19 से डरने की आवश्यकता नहीं है। जागरूकता एवं मास्क के उपयोग का पालन करते हुए इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जिले में एक और रोगी जो TB रोग से ग्रस्त थे, उन्हें भी संक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। आवास और शौचालय योजना में गड़बड़ी की नहीं हुई जाँच। आवास योजना और शौचालय योजना में गड़बड़ी को लेकर सदर प्रखंड के जमनी पहाड़पुर गांव के लोगों ने उप विकास आयुक्त को आवेदन सौंपा है। आवेदन के माध्यम से बताया कि जमनी पहाड़पुर पंचायत में मुखिया एवं वार्ड पार्षद आमिर हमजा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शौचालय योजना मद की हेराफेरी की गई है। बताया कि जमनी पहाड़पुर पंचायत के ग्रामीणों ने इस संबंध में पूर्व में भी कई बार उपायुक्त गोड्डा को आवेदन देकर जांच कराकर मामले पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। बताया कि आवास योजना के तहत 20,000 रुपये से 26,000 रुपये तक आमिर हमजा द्वारा नजराना लिए जाने की शिकायत है। मामले को लेकर जमनी पहाड़पुर के ग्रामीण मोहम्मद मुश्ताक, मोहसिन अंसारी, असलम अंसारी, अख्तर अंसारी, शाहिद अंसारी आदि ग्रामीणों ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।